बाद माननीय जाला जी अध्यक्ष होने के बाद अध्यक्ष और हम सभी मेंबर लोग मिलके हम सारे देश में प्रवास कर रहे हैं। इस प्रवास में हम चार मुद्दे पर सभी स्टेट गवर्नमेंट को सभी लोकल बॉडियों को हम निदर्शन दे रहे हैं। जो हजारों सालों से हमारे लोग सुबह से लेकर शाम तक जो सफाई का काम करते हैं लोग, ये लोगों के लिए जो हम जो अभी कर रहे हैं यहां से नहीं, जो हमारा पूर्वजों ने, मेरा बाप हो, मेरा दादा हो, हमारा हजारों सालों से ये काम करते 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 हमारे तक ये काम आ गया है, हम वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम कमीशन सभी स्टेट को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अभी जो सफाई काम करने वाले मजदूर लोग हैं, यहां तक हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम हमारे लिए लास्ट काम होना है, हमारे लिए ये काम करना बंद होना है। जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो सफाई का काम नहीं करना है, वो बनाना है, अच्छा ऑफिसर बनाना है उनको, अच्छा डॉक्टर बनाना है, अच्छा इंजीनियर बनाना है। इसलिए हम भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडी को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, चार विषयों पर हम डायरेक्शन दे रहे हैं। जो हजार सालों से काम करते करते थक गए हमारे सफाई मजदूरों ने, उनके लिए पहला इंपॉर्टेंस देना है उनका हेल्थ का बारे में, गुड हेल्थ दो उनके, अच्छा तरफ से ट्रीटमेंट देना है उनके लिए, अच्छा इक्विपमेंट्स देना है उनके लिए, एवरी थ्री मंथ्स वन टाइम उनको ट्रीटमेंट देना है, हेल्थ चेकअप करना है इनको, हेल्थ इक्विपमेंट्स देना जरूरी है। इसलिए पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं हमारे लोगों के लिए नंबर वन मुद्दा है, पहला मुद्दा है गुड हेल्थ देना है उनको, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए नंबर वन। नंबर टू है जो परमानेंट मजदूर है उनके लिए गवर्नमेंट से सैलरी मिलता है, उसके बिना जो कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहा है मजदूर, जो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए सैलरी बहुत कम मिलता है। उसके साथ जो गवर्नमेंट से सैलरी मिलेगा उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी कट कर देगा। इसलिए हम सभी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं जो भारत सरकार का मिनिमम वेज एक्ट है उस एक्ट पर सभी कार्मिकों को, सभी मजदूरों को मिनिमम वेज एक्ट तरफ उनको सैलरी देना है, नंबर दो। नंबर तीन, जो हमारा बच्चे है, हमारा बच्चे लोगों के लिए, हमारा डिपेंडेंट्स के लिए सभी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे डिपेंडेंट्सों के लिए गुड एजुकेशन देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, मेडिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर, बड़ा बड़ा अच्छा एजुकेशन देने के लिए हम डायरेक्शन दे रहे हैं। जो ऑलरेडी एजुकेशन किया है, जो अनएम्प्लॉयड है वो अनएम्प्लॉयड के लिए एनएसकेएफडीसी से उनको स्वयं उद्योग बनाने के लिए एनएसकेएफडीसी से लोन देके उनको बिजनेसमैन बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। गुड एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज जो हमारा सफाई कर्मचारियों के लिए, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सभी देश में कितना लोग है उन सब के लिए हम घर दे रहे हैं, ओन रेसिडेंस देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोला है। इसलिए हम आयोग सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी सबको घर देने के लिए बोला है वो घर देने लिस्ट में
पूरा लिस्ट होगा सफाई मजदूरों का देने के लिए, सफाई मजदूरों के लिए करना है। डायरेक्शन कमीशन दे रहा है, इसलिए ये कमीशन एक अच्छा तरफ से हमारा लोगों के लिए, हमारा मजदूरों के लिए काम कर रहा है। इसके साथ मैं एक अंत में एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, झारखंड में हमारा समाज का एक सफाई कर्मचारी श्रीमती सावित्री देवी, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। श्रीमती सावित्री देवी 30 साल से सफाई का काम कर रहे हो, वो 30 साल पहले जो सफाई काम शुरू किया उसी दिन वो डिसाइड किया नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट मेरा बेटों के लिए वापस मैं नहीं लाऊंगा इधर, इसलिए वो शुरू से वो सोचता उनका, इसलिए वो बेटा तीन लड़का है उनके लिए, उनका तीन लड़कों को अच्छा शिक्षा दिया, गुड एजुकेशन दिया। नंबर पहला बेटा को बड़ा इंजीनियर बनाया, दूसरा बेटा को डिस्ट्रिक्ट सर्जन गवर्नमेंट का डॉक्टर बनाया, तीसरा बेटा को आईएएस पढ़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया। वो मामा ने तीनों बेटों को अच्छा अच्छा पद पर लाने के लिए वो मां ने मेहनत किया है।